हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है स्टिक गार्लिक ब्रेड, जो बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल से बनी हुई है और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बनकर भी बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए हम बनाने स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर लिया है, अमूल बटर का यहाँ मैंने यूज़ किया है, और ये रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ बटर है। पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल कर बटर को रख दें ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और अब मैं यहाँ पे गार्लिक डाल रही हूँ, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून, जिसको कि मैंने फाइन चॉप कर लिया था। और कोरिएंडर डाल रही हूँ, चॉप्ड किया हुआ कोरिएंडर, इसको भी मैं 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। और इन तीनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बटर में इनका टेस्ट आ जाए, एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। और आप देख सकते हैं जो मेल्टेड बटर है, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया है। और अब इसमें हम ओरिगेनो डाल रहे हैं, 1 टीस्पून ओरिगेनो डाल देती हूँ मैं इसमें। छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे, 1 चम्मच। और अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैं और डाल देती हूँ और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा जो बटर गार्लिक का मिक्सचर है वो बन के अब रेडी है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड लिया है, वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, और 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसके किनारों को मैंने कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, इसके किनारों को मैंने कट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप किनारों को छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने बटर गार्लिक का मिक्सचर बनाया था उसको ब्रेड के ऊपर फैला देते हैं, अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि ब्रेड में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। और खाएं जब हम तो ऐसा लगे कि इसके ऊपर हमने गार्लिक बटर की कोटिंग की हुई है। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल जो चीज़ आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे ब्रेड्स के ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ को रख दूँगी, अच्छे से चीज़ को रखें। और अब मैं यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी डाल रही हूँ साथ में, ताकि जब हम उसको खाएं तो बिल्कुल डोमिनोज वाला ही फ्लेवर हमको आए। तो मैंने यहाँ पे कॉर्न को भी डाल दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और पनीर को भी डाल देंगे, यहाँ पे पनीर को भी मैंने डाला है, छोटे छोटे क्यूब्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि जो हमारा टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा और बहुत ही टेस्टी लगे। और इसको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और ऊपर से भी बटर को स्प्रेड कर दूंगी, गार्लिक बटर जो हमने बनाया था, दोनों ब्रेड के ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। ये अपर की साइड से मैंने बटर स्प्रेड किया है, तो हम लोअर की साइड से भी इसको लगा देंगे अच्छे से ब्रेड के ऊपर, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सेके और एक अच्छा टेस्ट आए। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम तवे पर सेक लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे हम ओवन में ही सेकें, हम इसे तवे पर भी बड़ी आसानी से सेक सकते हैं। यहाँ मैंने तवा ले लिया है, एक नॉनस्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने ब्रेड को रख दिया है। ये देखिए, और अच्छे से इसे दबाते हुए हम सेक लेंगे। और जो दूसरा ब्रेड हमारा दिख रहा है उसके ऊपर भी हम बटर को अच्छे से लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ बटर का टेस्ट आए। ये देखिए, मैंने यहाँ इसके ऊपर भी बटर लगा लिया है और अब पलट कर हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। अब इसके चीज़ को हमें मेल्ट करना है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, करीब
एक से दो मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ये देखिए मैंने ढक दिया है इसको एक से दो मिनट के लिए और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब एक से डेढ़ मिनट हो गया, मैंने ढक्कन हटा दिया है और अब ये जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इसे हम दोनों तरफ से सेंक लेते हैं ऐसे ही, इसको पलट लेंगे। अब ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया ऑसम कलर आया है इसके ऊपर। और इसे हम ऐसे ही दबा दबा के कर सेक लेते हैं दोनों ब्रेड को। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रेड है वो सिक गया है और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम तवे से निकाल लेते हैं, कितना बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया और ये काफ़ी क्रंची भी होता है, जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा क्रंची होता है। इसे मैं कट कर लेती हूँ और कट करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ है वो कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं चीज़ हमारा बहुत ही बढ़िया मेल्ट हुआ है अंदर से और इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। देखिए कितना बढ़िया मोज़रेला चीज़ जो मेल्ट हुआ है वो कितने अच्छे से इसकी एक तार बन रही है। बहुत ही बढ़िया हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मैंने सारे यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।